सातवां पे कमीशन लागू किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ द्वारा गणेश चौराहा स्थित प्रधान डाकघर में संघ के सदस्यों द्वारा 22 मई से किया जा रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार किशोर डाकघर में प्रधान डाकघर पहुंचे और कार्य हड़ताल करते हुए धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। डाककर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के मायापति मिश्रा ने कहा, संतरा कमेटी कोई भीख नहीं है, संतरा कमेटी कोई भीख नहीं है। कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। भारत सरकार के श्रम वृद्धि नीतियों के कारण डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में डाक का काम करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल, उनकी प्रमुख मांग चंद्रा कमेटी को लागू किया जाए और हमारी सेवा शर्तों को सुधारा जाए। कब तक जारी रहेगा ये आपका? जब तक भारत सरकार हमारी मांगों में विचार नहीं करती है तब तक हमें हड़ताल जारी रहेगा। जब तक आदेश नहीं हो जा रहा है तब तक ये जारी रहेगा निश्चित काल तक। इसमें कोई समझौता नहीं है, समझौता विफल हो गया है, अब केवल आदेश होना है। जिस दिन आदेश भारत सरकार जब तक आदेश नहीं करेगी तब तक हम हड़ताल को वापस नहीं लेंगे, जारी रखेंगे।